गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन टूडे सेशन ऑफ बिजनेस स्टडीज क्लास। इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ चेन स्टोर्स एंड डिफरेंस बिटवीन डिपार्टमेंटल स्टोर्स एंड चेन स्टोर्स। व्हाट इज चेन स्टोर और मल्टीपल शॉप्स? मल्टीपल शॉप इज ए लार्ज स्केल रिटेल ऑर्गेनाइजेशन विद ए नंबर ऑफ ब्रांचेस एट डिफरेंट प्लेसेस अंडर वन ओनरशिप एंड मैनेजमेंट and dealing in one line of product. These stores are identical in the appearance, signboards and interior decoration. These groups of branches are known as multiple shops in Europe and chain stores in US. Marvelli stores, Bata shop, Usha swing machine etc. are the examples of multiple shops functioning in India. Branches of the shop are located throughout the nation. They specializes in one or two lines of goods. The goods required by the branches are supplied by the head office. The branches only sell the goods at the prices fixed by the head office on cash basis. Chain store completely avoid middleman. The idea behind the formation of chain store is to eat up the profit at the manufacturing and sale stage of goods. Chain stores may be established by the manufacturer or by a merchant. Example, Bata shoe stores, McDonald's, etc. वेल स्टूडेंट्स, जो कंसेप्ट हमने अभी डिस्कस किया इस पिक्चर में, हम उसे बहुत अच्छे से देख सकते हैं। बाटा का मैंने बेटा यहाँ एग्जाम्पल लिया है। आप देख सकते हैं कि तीन मैंने शोरूम्स के पिक्स जो है वो क्लिक किए हुए हैं। तीनों शोरूम्स की जो डेकोरेशन है, ठीक है, वो ऑलमोस्ट एक जैसी है। वहां पर रखी गई गुड्स भी एक ही जैसी हैं, ठीक है, एक ही मैन्युफैक्चरर उन्हें गुड्स सप्लाई कर रहा है। ये चेन स्टोर्स जो हैं, वन और टू टाइप्स की गुड्स में ही मोस्टली डील करते हैं। सभी गुड्स एक ही मैन्युफैक्चरर से इन्हें मिलती हैं। और तो और प्राइजेस भी कौन डिसाइडेड करता है? मैन्युफैक्चरर। जो मैन्युफैक्चरर ने प्राइस डिसाइड किए हैं तीनों स्टोर्स में, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीनों स्टोर्स में आपको सेम प्राइजेस पर गुड्स मिलेंगी। अगर मैन्युफैक्चरर कोई स्कीम दे रहा है, फॉर एग्जांपल डिस्काउंट दे रहा है, ओकेजनल कोई स्कीम दे रहा है, दिवाली का कोई गिफ्ट टेम्पर रख रहा है, ठीक है, तो इस तरह की सभी स्कीम, सभी ओकेजनल जो उसने प्रमोशनल टूल्स यूज किए हैं मैन्युफैक्चरर ने, वो सभी स्टोर्स पर आपको अवेलेबल मिलेंगे, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हो कि बाटा स्टोर्स पर लेदर बैग्स एंड शूज, टू टाइप के गुड्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। बाटा स्टोर्स ऑलवेज जो हैं किसमें डील करते हैं? कैश सेल्स में डील करते हैं। क्रेडिट सेल्स यहाँ पर अवेलेबल नहीं होती हैं। एडवर्टीजमेंट्स भी किसकी तरफ से हैं? सारी की सारी मैन्युफैक्चरर की तरफ से एडवर्टीजमेंट्स होती हैं। पर्सनली ये लोग कोई भी एडवर्टीजमेंट नहीं करते हैं। नाउ कम टू द फीचर्स ऑफ चेन स्टोर और मल्टीपल शॉप्स। फर्स्ट फीचर इज इट डील्स ओनली वन और टू लाइन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। जैसा कि हमने बाटा का भी एग्जाम्पल लिया था, वो लेदर बैग्स और शूज में डील कर रहे थे। ईच ब्रांच डील्स द सेम टाइप ऑफ गुड्स। देयर इज यूनिफॉर्मिटी इन द शॉप डिजाइन एंड लेआउट। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अभी जो हमने बाटा का एग्जाम्पल लिया, आपने वहां देखा कि सभी शॉप्स के जो डिजाइनिंग है, डेकोरेशन है, वो क्या है? बिल्कुल यूनिफॉर्मिटी है, उसमें सेम है, बिल्कुल कुछ भी डिफरेंस नहीं है। ये कौन डिसाइड करता है? मैन्युफैक्चरर डिसाइड करता है कि शॉप का डिजाइन, वहां के लेआउट्स जो हैं वो किस फॉर्म में होंगे। इट हैज सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट परचेजिंग एंड प्राइसिंग। मैनेजमेंट जो है वो सेंट्रलाइज्ड होता है, यानी कि एक ही पर्सन डिसाइड करता है कि क्या परचेजिंग है और क्या उन परचेजिंग गुड्स के जो प्राइजेस हैं, वो भी एक ही पर्सन डिसाइड कर रहा है। इट्स एम इज टू एलिमिनेट मिडल मैन। जो हमारा चेन स्टोर है, उनका जो मेन पर्पज है वो क्या है कि मिडल मैन को उन्होंने रिमूव करना है, क्योंकि मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर के बीच में जितने ज्यादा मिडल मैन होते हैं, प्रॉफिट मार्जिन उतने इंक्रीज हो जाते हैं और सारा का सारा बर्डन किसके ऊपर आ जाता है? कंज्यूमर पर आ जाता है। इसीलिए चेन स्टोर्स डायरेक्ट मिडल मैन को जो है वो रिमूव कर रहे हैं, यानी कि चेन स्टोर से जो गुड्स हैं वो डायरेक्ट कहाँ आ रही हैं? शॉपकीपर के पास आ रही हैं, और शॉपकीपर से कहाँ जा रही हैं? वो
कंज्यूमर के पास जा रही हैं, बीच में होलसेलर, रिटेलर, एजेंट, इस तरह की जो ओनरशिप्स आती हैं उन सबको रिमूव किया जा रहा है। इट वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ कैश एंड कैरी प्रिंसिपल। सिर्फ कैश बेसिस के ऊपर डीलिंग्स होती हैं, क्रेडिट बेसिस पर डीलिंग्स नहीं होती हैं। इट हैज सेंट्रलाइज्ड बाइंग एंड डिसेंट्रलाइज्ड सेलिंग। सेंट्रलाइज का मतलब होता है पावर्स को एक ही पर्सन जो है वो अपने पास संभाल के रखता है, ठीक है। और डिसेंट्रलाइज का मतलब होता है कि आपको अपनी पावर्स को बहुत सारे लोगों को ट्रांसफर करना होता है। तो यहाँ पर बाइंग का जो सिस्टम है वो क्या है, सेंट्रलाइज है, यानी कि जो शॉप का ओनर है उसे प्रोडक्शन जो भी अपने यहाँ पर हो रहा है या जो भी गुड्स वो सेल कर रहा है उन सभी से रिलेटेड, चाहे रॉ मटेरियल चाहिए, चाहे उसे रेडी टू जो सेल करनी है उसने गुड्स रेडी टू मूव गुड्स चाहिए, ठीक है, वो सिर्फ एक ही प्रोड्यूसर से परचेज करेगा, ठीक है। जैसे हमने बाटा का एग्जांपल लिया, बाटा का जो ओनर है शॉप का, उस ओनर को अपने शॉप में बेचने के लिए जो भी लैदर बैग्स चाहिए, जो भी शूज चाहिए, वो जहां बाटा का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वहीं से ही उसे परचेज करेगा। यानी कि बाइंग क्या है, सेंट्रलाइज्ड है। बाटा के शोरूम में सिर्फ और सिर्फ जो भी मटेरियल होगा बेचने के लिए, जो भी गुड्स वहां पर हैं, वो सारी एक ही प्रोड्यूसर से आ रही हैं। एंड डिसेंट्रलाइज सेलिंग, डिसेंट्रलाइज सेलिंग का मतलब कि कोई भी कम्युनिटी का पर्सन वहां से जाकर गुड्स को परचेज कर सकता है। उनके पास किड्स के भी फुटवेयर्स हैं, लेडीज के भी हैं, जेंट्स के भी हैं, लेदर बैग्स का अगर हम एग्जांपल लें तो उसमें भी उनके पास बहुत सारी वैरायटी अवेलेबल रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर सेलिंग का कंसेप्ट क्या है, डिसेंट्रलाइज्ड है, और बाइंग का कंसेप्ट क्या है, सेंट्रलाइज्ड है, कि एक ही पर्सन से उन्हें क्या करना है, अपनी गुड्स को परचेज करना है। दीज आर द बेसिक फीचर्स ऑफ चेन स्टोर्स। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एडवांटेजेस ऑफ चेन स्टोर। फर्स्ट वन इज इकोनॉमीज ऑफ प्रोडक्शन स्केल। अब देखो, उस पूरी कंट्री में अगर एक ही प्रोड्यूसर गुड्स को प्रोड्यूस कर रहा है और कितने ही उसके चेन स्टोर्स हो सकते हैं पूरी कंट्री में, और वहां उसे उन सभी चेन स्टोर्स पर गुड्स सप्लाई करनी है, तो ऑटोमेटिक प्रोडक्शन क्या होगा, लार्ज स्केल पर होगा, ठीक है। अब जैसे बाटा है, लिबर्टी है, ठीक है, इन सबके जो है ये चेन स्टोर है, पूरी कंट्री में अवेलेबल है। अब एक जगह पर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है और वहां से पूरी कंट्री में गुड्स जो है सप्लाई हो रही है, तो अब ऑटोमेटिक आप ये अंडरस्टूड कर सकते हो कि पूरी कंट्री में जिस प्रोड्यूसर का माल जो है सप्लाई होना है, तो ऑटोमेटिक वो क्या प्रोडक्शन करेगा, लार्ज स्केल पर करेगा। तो अब लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन होने से ऑटोमेटिक पर यूनिट कॉस्ट क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, मिनिमाइज हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि इकोनॉमीज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ स्केल का जो लेवल है वो अचीव हो जाएगा। नो बैड डेट्स, कोई बैड डेट्स नहीं होते हैं, क्योंकि क्रेडिट डीलिंग्स होती नहीं है, सारी की सारी सेल्स किस में हो रही है, कैश में हो रही है। लो कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन, ऑपरेशन की कॉस्ट मिनिमम होती है। इसके पीछे बेसिक रीजन क्या है, फर्स्ट रीजन ये है कि यहाँ पर जो ओनर है यानी कि जो सेलर है उसे एडवर्टीजमेंट नहीं करना। एडवर्टीजमेंट कौन करेगा, प्रोड्यूसर करेगा अपने लेवल के ऊपर। उसे मोर एडवर्टीजमेंट करना है, लेस करना है, एडवर्टीजमेंट पर कितना एक्सपेंडिचर करना है, ये कौन डिसाइड करता है, प्रोड्यूसर। इसीलिए ओनर का जो ऑपरेशनल कॉस्ट आता है वो मिनिमम होता है बिल्कुल। पब्लिक कॉन्फिडेंस, पब्लिक का कॉन्फिडेंस बहुत जो है इनके ऊपर अच्छा होता है, पब्लिक फेथ करती है, क्योंकि इनकी गुडविल मार्केट में बहुत अच्छी होती है। गुडविल अच्छी होने के पीछे एक बेसिक रीजन है, क्योंकि इनके प्रोडक्ट की क्वालिटीज बहुत अच्छी होती हैं, ठीक है, थीके? क्योंकि पूरी कंट्री में एक ही प्रोड्यूसर गुड सप्लाई कर रहा है, तो ऑटोमेटिक उसे अपनी क्वालिटी को क्या रखना होता है, मेंटेन रखना होता है। फ्री रिपेयरिंग फैसिलिटीज, यहाँ पर होम डिलीवरी जैसी फैसिलिटीज, रेस्टोरेंट, म्यूजिक फैसिलिटीज और चिल्ड्रन के लिए गेम्स, मूवीज, ऐसी फैसिलिटीज नहीं होती हैं जैसे डिपार्टमेंटल स्टोर्स में होती हैं, ना ही ये होम डिलीवरी ऑफ गुड्स करते हैं, ठीक है। बस ये अपने कस्टमर्स को एक बेसिक फैसिलिटी देते हैं, रिपेयरिंग फैसिलिटी, ठीक है, कि अगर किसी प्रोडक्ट में कोई डिफेक्ट आ जाता है तो फ्री ऑफ कॉस्ट जो ओनर ऑफ द शॉप होता है वो उन्हें प्रोडक्ट जो है वो रिपेयर करवा कर देता है। इकोनॉमी इन एडवर्टीजमेंट, ऑलरेडी डिस्कस हो गया बेटा ये पॉइंट, लो कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन में, ठीक है, कि एडवर्टीजमेंट जो है वो किसे करनी है, प्रोड्यूसर को करनी है। अब देखो, प्रोड्यूसर का माल पूरी कंट्री में सप्लाई हो रहा है और वो एक ही लेवल के ऊपर एडवर्टीजमेंट कर रहा है, तो एडवर्टीजमेंट पर भी उसे बहुत कम जो है एक्सपेंस करना पड़ेगा। फैसिलिटी ऑफ ट्रांसफर ऑफ गुड्स, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वन मार्क में बहुत बार ये पॉइंट आ जाता है बेटा, आप सभी ध्यान रखेंगे इसका, कि अगर एक चेन स्टोर का ओनर कुछ गुड्स को सेल नहीं कर पा रहा है, ठीक है, जैसे हमने एग्जांपल लिया बाटा का। अब बाटा जो है उसके पास लेदर शूज हैं, लेदर बैग्स हैं,
ठीक है, फैब्रिक शूज भी हैं। तो अब जो है मान लीजिए कि एक पर्टिकुलर ओनर है बाटा का, और वो अपने जो लेदर बैग्स हैं उनको सेल नहीं कर पा रहा है। वो जिस एरिया में उसकी शॉप है उस एरिया में जो पीपल रह रहे हैं वो लेदर बैग्स की डिमांड नहीं कर रहे हैं। तो अब वो क्या करता है, दूसरे एरिया के चेन स्टोर को, दूसरे एरिया का जो चेन स्टोर का ओनर है उससे कांटेक्ट करता है कि मेरे पास लेदर बैग का काफी स्टॉक है जो मैं सेल नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप मेरे से ये स्टॉक परचेज कर लीजिए और आपके एरिया में इसकी बहुत डिमांड है, आप इसे सेल कर लीजिए। ठीक है, तो वो दोनों भी आपस में डील कर सकते हैं। ठीक है, उसे मैन्युफैक्चरर को गुड्स रिटर्न करने की जरूरत नहीं है, वो अपनी गुड्स को किसे ट्रांसफर कर सकता है, दूसरे चेन स्टोर पर भी ट्रांसफर कर सकता है। लास्ट एडवांटेज इज इजी आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टॉक। जब कंट्री के अंदर एक ही प्रोड्यूसर गुड सप्लाई कर रहा है तो उसके जो प्रोडक्ट है उन पे एक पर्टिकुलर स्टैम्प होती है, पर्टिकुलर मार्क होता है, उसकी आइडेंटिफिकेशन की जा सकती है कि ये प्रोडक्ट डुप्लीकेट नहीं है, इट इज ओरिजिनल। ठीक है, उसकी ओरिजिनलिटी की जो है बहुत इजी जो है आइडेंटिफिकेशन हो सकती है, डुप्लीकेसी ऑफ प्रोडक्ट के कोई चांसेस यहाँ पर नहीं होते हैं। देयर आर सम डिसएडवांटेजेस ऑफ चेन स्टोर। फर्स्ट वन इज एब्सेंस ऑफ चॉइस। वहां पर डिजाइन्स जो हैं वो बहुत लिमिटेड होते हैं, गुड्स लिमिटेड होती हैं, गुड्स की जो कैटेगरीज हैं डिजाइन्स हैं वो बहुत लिमिटेड होते हैं, कंज्यूमर के पास वाइड चॉइस नहीं होती है। क्रेडिट फैसिलिटीज नहीं होती हैं, सो नो क्रेडिट फैसिलिटीज आर देयर, ओनली कैश सेल्स आर देयर। नो पर्सनल कॉन्टेक्ट, जो ओनर है वो अपने साथ बहुत सारे सेल्समैन को लेकर चलता है, जो सेल्समैन वो सारा काम संभालते हैं उसका। ठीक है, क्योंकि जो काम है वो लार्ज स्केल के ऊपर होता है, लार्ज स्केल रिटेलिंग का ही हम कंसेप्ट रीड कर रहे हैं, चेन स्टोर जो है वो लार्ज स्केल रिटेलिंग का ही एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर जो काम संभाल रहे हैं वो कौन होते हैं, एम्प्लॉयज होते हैं। ओनर अपने आगे बहुत सारे एम्प्लॉयज अपॉइंट करता है। ठीक है, उन एम्प्लॉयज का ही कॉन्टेक्ट होता है किससे, कस्टमर से। डायरेक्ट ओनर का जो है कस्टमर से कॉन्टेक्ट नहीं होता है। मोनोपली इन लॉन्ग रन, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पर कि जो प्रोड्यूसर है वो गुड्स किसको सप्लाई कर रहा है, पर्टिकुलर ओनर्स को सप्लाई कर रहा है। अब अगर क्वालिटी ऑफ गुड्स सप्लाई की जा रही है मार्केट में तो ऑटोमेटिक उस ओनर की जो गुडविल है वो क्या बन जाएगी, बहुत अच्छी बन जाएगी और उसकी मार्केट के अंदर मोनोपली बन जाएगी ड्यू टू द सेलिंग गुड क्वालिटी प्रोडक्ट, प्रोवाइडिंग गुड सर्विसेज। ठीक है, तो अगर गुड क्वालिटी के प्रोडक्ट प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर रहा है, ओनर उन्हें सेल कर रहा है, कोई उसमें अल्ट्रेशन नहीं करता है, वो कोई बार्गेनिंग नहीं करता है प्रोडक्ट्स के अंदर, ठीक है, तो ऑटोमेटिक वो जो प्रोडक्ट है वो एक दिन मोनोपली मार्केट का प्रोडक्ट बन जाएगा, यानी कि उसके सामने कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं टिक पाएंगे। ठीक है, बाकी जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनकी जो मार्केट है वो वीक हो जाएगी। क्यों, क्योंकि सारे कंज्यूमर कहाँ चले जाते हैं, चेन स्टोर्स की तरफ चले जाते हैं। क्यों, क्योंकि वो उन्हें क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, उनके साथ बार्गेनिंग नहीं करते हैं, चीटिंग नहीं करते हैं, क्योंकि उनके प्राइजेस भी क्या होते हैं, फिक्स होते हैं चेन स्टोर्स के। जो प्राइजेस मैन्युफैक्चरर डिसाइड करता है वही प्राइजेस ऑल ओवर द कंट्री जो है वो फॉलो किए जाते हैं। जो स्कीम्स, डिस्काउंट, प्रमोशनल टूल्स मैन्युफैक्चरर डिसाइड किए हैं वो पूरी कंट्री में, ऑल ओवर कंट्री में इंप्लीमेंट सेम लेवल पर होंगे। ऐसा नहीं है कि नॉर्थ रीजन में अलग होंगे, साउथ में अलग होंगे, दिल्ली में अलग होंगे, गुड़गांव में अलग होंगे, चंडीगढ़ में अलग होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सभी जगह पर क्या रहेगा, वो प्रमोशन का जो लेवल है वो क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। इससे जो है वो खतरा किसको होगा, थ्रेट किसको होगा, ठीक है, जो कॉम्पिटिटर्स हैं उन्हें थ्रेट होगा कि उनकी जो गुडविल है वो क्या हो जाएगी, लूज हो जाएगी। लास्ट डिसएडवांटेज इज लैक ऑफ फ्रीडम। ये ओनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है बच्चे, कि ओनर्स को अपनी कोई फ्रीडम नहीं है, वो अपने लेवल पे कोई एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते, अपने लेवल पे कोई न्यू प्रोडक्ट अपनी शॉप में रखकर सेल नहीं कर सकते, अपने लेवल पर अपनी शॉप की डेकोरेशन, डिजाइनिंग, लेआउट कुछ भी नहीं कर सकते। वो बाउंडेड होते हैं किसके, मैन्युफैक्चरर के। मैन्युफैक्चरर उन्हें बाउंड करता है कि आपने इस कलर का जो है डेकोरेशन करना है, इस पैटर्न से डेकोरेशन करना है, तो उन्हें उसे फॉलो करना पड़ता है। वो अपनी तरफ से ओकेजन्स के ऊपर भी कोई स्कीम्स इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। मान लीजिए दिवाली फेस्टिवल है और दिवाली फेस्टिवल पर मैन्युफैक्चरर ने कोई स्कीम लॉन्च नहीं की है, तो ओनर जो है, शॉप का जो ओनर है, वो चाहते हुए भी कोई स्कीम अपनी तरफ से इंप्लीमेंट नहीं कर सकता, अनाउंस नहीं कर सकता। ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है इसका बेटा, चेन स्टोर का। ठीक है, दीज आर द मेन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ।
चेन स्टोर. नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज डिफरेंस बिटवीन डिपार्टमेंटल स्टोर एंड मल्टीपल शॉप्स, और वी कैन से दैट चेन स्टोर्स. फर्स्ट वन इज सेंट्रल लोकेशन. डिपार्टमेंटल स्टोर जो है वो सिटी के हार्ट में ओपन किए जाते हैं. मल्टीपल शॉप्स के लिए ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं है. मल्टीपल शॉप्स के जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो सप्लायर्स हैं गुड्स के, वो कहते हैं कि हमारी गुड्स में इतनी क्वालिटी होती है कि हमारी गुड्स को जो परचेज करना चाहता है पर्सन, वो कहीं भी पहुंच जाएगा, उसे कुछ पर्टिकुलर लोकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है. सेकेंड वन इज वैरायटी ऑफ गुड्स. डिपार्टमेंटल स्टोर्स के अंदर नंबर ऑफ वैरायटी ऑफ गुड्स होती हैं. डिफरेंट डिफरेंट प्रोड्यूसर की जो गुड्स हैं वो डिपार्टमेंटल स्टोर्स में अवेलेबल रहती हैं, ठीक है. लेकिन मल्टीपल स्टोर्स में ऐसा नहीं होता, ओनली वन प्रोड्यूसर की गुड्स ही वहां पर अवेलेबल रहेंगी. हाँ, ये जरूर हो सकता है बेटा कि वन प्रोड्यूसर टू और थ्री प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो सभी चेन जो है वो वहां पर अवेलेबल रहती है. थर्ड वन इज सर्विसेज ऑफर्ड. डिपार्टमेंटल स्टोर्स, रेस्टोरेंट, प्ले जोन, अल्ट्रेशन ऑफ गार्मेंट्स, इस तरह की एक्स्ट्रा फैसिलिटीज जो है अपने कंज्यूमर्स को प्रोवाइड करते हैं. लेकिन चेन स्टोर्स में समटाइम्स रिपेयर फैसिलिटीज अवेलेबल होती हैं, अदरवाइज और कोई फैसिलिटी यहाँ पर अवेलेबल नहीं होती है. लास्ट फोर्थ वन इज नो यूनिफॉर्म प्राइसिंग पॉलिसीज. इंस्टेड दे आर गिविंग डिस्काउंट्स टू क्लियर द स्टॉक इन द स्पेशल ओकेजन. यहाँ पर कोई प्राइस की जो पॉलिसी है वो भी सेम नहीं होती है. डिपार्टमेंटल स्टोर्स अपने स्टॉक को क्लियर करने के लिए, ओल्ड गुड्स को सेल करने के लिए टाइम टू टाइम अपनी मर्जी से वहां पर कोई ना कोई स्कीम्स इंप्लीमेंट कर देते हैं ताकि कंज्यूमर अट्रैक्ट हो और उनका जो स्टॉक है वो क्लियर हो जाए, ओल्ड स्टॉक उनके वहां से चला जाए. लेकिन मल्टीपल शॉप्स में, चेन स्टोर्स में ऐसा कुछ नहीं होता है. ओनर जो है अपनी मर्जी से कोई भी स्कीम इंप्लीमेंट नहीं कर सकते हैं. उनके प्राइजेस में यूनिफॉर्मिटी होती है. यूनिफॉर्मिटी मीन्स जो प्रोड्यूसर ने प्राइस डिसाइड किए हैं ऑल ओवर द कंट्री, वही प्राइस इंप्लीमेंट किए जाएंगे. फिफ्थ वन इज क्लास ऑफ कस्टमर. डिपार्टमेंटल स्टोर्स में गुड्स कॉस्टली होती हैं. क्यों होती हैं? क्योंकि वो बहुत सारी एडिशनल फैसिलिटीज भी साथ में प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है. तो इसीलिए हाई इनकम ग्रुप जो है उनके कस्टमर्स होते हैं. मल्टीपल शॉप्स और चेन स्टोर्स जो हैं वो मिडिल और लोअर इनकम ग्रुप के लिए जो हैं वो फेवरेबल रहते हैं, क्योंकि इनके प्राइजेस मिनिमम होते हैं, कम होते हैं, एवरेज होते हैं, और इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है. मिडिल और लोअर क्लास जो फैमिलीज हैं वो क्वालिटी कॉन्शियस होती हैं, ठीक है. इसीलिए वो इसकी तरफ बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाती हैं. सिक्स्थ इज क्रेडिट फैसिलिटीज. समटाइम्स टू रेगुलर कस्टमर्स. डिपार्टमेंटल स्टोर में वैसे तो क्रेडिट फैसिलिटीज नहीं होती हैं, लेकिन कुछ बार में समटाइम्स जो हैं वो क्रेडिट फैसिलिटीज अपने रेगुलर और ट्रस्टवर्दी कस्टमर्स को प्रोवाइड करते हैं. लेकिन मल्टीपल शॉप्स में कभी भी आपको क्रेडिट फैसिलिटीज नहीं मिलेंगी. स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन कैश बेसिस इट वर्क. स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन कैश बेसिस पर ही ये काम करते हैं. क्रेडिट बेसिस को चूज नहीं किया जाता है. दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डिपार्टमेंटल स्टोर्स एंड मल्टीपल शॉप्स. Thanks for watching this video.